मध्याह्न भोजन में घटिया भोजन देखकर भड़के छात्र, छात्रों ने किया हंगामा, छात्रों ने फेंका मध्याह्न भोजन का खाना। इन दिनों मिड डे मील सुर्खियों में है। अभी परसा का मामला शांत हुआ ही नहीं कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्मी टोला बखरिया में मिड डे मील में घटिया भोजन आपूर्ति करने का मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय के छात्रों ने बताया कि मध्याह्न भोजन में प्राय बदबूदार कीड़ा कंकड़वासी भोजन दिया जाता है, जो इंसान क्या जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता, जिस कारण छात्रों ने बताया कि घर जाकर भोजन करना पड़ता है तथा मजबूर होकर घटिया खाना विद्यालय के पीछे फेंकना पड़ता है, जो कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिसे पशु भी नहीं खाते हैं। जब से NGO द्वारा भोजन आपूर्ति की जा रही है, तभी से विद्यालय में छात्रों को घटिया भोजन प्राप्त हो रहा है। छात्रों का कहना है कि पूर्व में विद्यालय में बनने वाला भोजन ही अच्छा था। सूचना पाकर पहुंचे अभिभावकों ने भी जमकर बवाल काटा तथा भोजन आपूर्ति करने वाले NGO पर जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। प्रभारी प्रधानाध्यापक फिरोज अहमद ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए भोजन को घटिया बताया। इस बात पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एक बालीराम ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी NGO द्वारा घटिया खाना आपूर्ति किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। लेकर आए थे वो खाना लेकर आए थे, बोले थे चिकने के लिए वो वीडियो बना रहे थे। मैं उस खाना को चखा तो उसमें था कि खाना जो है था एटी था थोड़ा तो खट्टा टाइप के लग रहा था। मैं उस वीडियो में स्पष्ट कह दिया हूँ, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। पदाधिकारी अच्छा कोई भी है, हम उनके सामने डायरेक्ट बोल सकते हैं थोड़ा खाना में गड़बड़ी है, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी खाना खाया तो उसमें खट्टा था। आप इस विद्यालय के कौन है? मैं शिक्षक हूँ, यहाँ का शायद शिक्षक हूँ। क्या नाम है? क्या नाम? मोहम्मद अयतुल्ला। क्या नाम पड़ रहा हूँ? चावल में